हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप लोग कॉमेडी वीडियो बनाते हो और सीरियसली में अगर आप काम करते हो तो आप कितना बजट लगा के आप प्रोफेशनल से प्रोफेशनल वीडियोस बना पाओगे और क्या इक्विपमेंट सब खरीदना पड़ेगा, ये चीज़ के रिलेटेड आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप लोग ने चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम कॉमेडी वीडियो कैसे बनाए इसके रिलेटेड ही हमेशा वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों कॉमेडी वीडियो में क्या ऐसा चीज़ होता है कि जिससे कि वीडियो का क्वालिटी गजब का बन जाता है? एक होता है कंटेंट, आपका क्या स्क्रिप्ट है वो इतना अच्छा रहेगा, उतना फनी बनेगा, उतना खतरनाक कहानी बनेगा, तो वो चीज़ स्क्रिप्टिंग राइटिंग डायरेक्टिंग लाइन में आ गया, उसको हम अलग रखते हैं। अभी शूटिंग एडिटिंग वीडियो प्रोड्यूस ये सब चीज़ कैसे होएगा प्रोफेशनल, ये इसके रिलेटेड बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले तो वीडियो का क्वालिटी एकदम परफेक्ट होना चाहिए, उसके बाद लाइटिंग भी होता है। तो अभी हम लाइटिंग को साइड रखते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो लाइटिंग कैसे भी करके एडजस्ट कर लेंगे, उसमें ज़्यादा बजट नहीं लगने वाला है। हम लोगों को अब मेन बजट क्या होता है कि कैमरा, मेन बजट कैमरा होता है। उसके साथ साथ दोस्तों ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए जो माइक होता है वो माइक भी प्रोफेशनल होना चाहिए, तभी जाके आप बेहतरीन क्वालिटी का आवाज़ साउंड रिकॉर्ड कर पाओगे। और उसके साथ साथ वीडियो जो ऐसे ऐसे हिलता है ये चीज़ नहीं हिलना चाहिए, कुछ भी हो जाए लेकिन ये हिलना नहीं चाहिए। तो इसके लिए गिम्बल होता है, ये परचेज करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपका बजट अप्रॉक्स 1,00,000 रुपया रहेगा, तब जाके आप एक बेहतरीन क्वालिटी का काम कर सकते हो, आपका लेवल ही हाई हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। तो दोस्तों 1,00,000 बजट में क्या सब हम परचेज करेंगे इसके रिलेटेड बात करते हैं। प्रोफेशनल काम करेंगे, ये नहीं कि लोकल वोकल काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले एक आता है सोनी का EV10L, कुछ इस तरह का ये कैमरा है, इसको आपको परचेज करना है। ये सिर्फ 61,000 के अंदर है, 61,000 का ये कैमरा आता है, जिसमें आपको 4K क्वालिटी मिल जाता है। और दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन बहुत सारे हमने YouTube पे देखे हैं, अगर आपको इस कैमरे के रिलेटेड कुछ चाहिए वीडियो तो आपको YouTube पे सर्च करना है, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका गिम्बल परचेज करना होता है, तो गिम्बल आपको लोकल मार्केट से ऑनलाइन नहीं खरीदना है, क्योंकि ऑनलाइन में है 18,000-19,000 में। आप लोकल मार्केट, जैसे शहर का मार्केट होता है, कैमरा मार्केट होता है, वहाँ से आप अगर गिम्बल खरीदोगे तो 15,000 के 19,000 में आपको गिम्बल बढ़िया बढ़िया मिल जाएगा। तो आपको गिम्बल और कैमरा हो गया 61,000 और 15,000, कितना हो गया दोस्तों 76,000 रुपया हो गया। 76,000 आपको कैमरा और माइक मिल, नहीं, कैमरा और गिम्बल में लग गया। और उसके बाद माइक होता है, हम लोगों को वायरलेसली माइक परचेज करना होगा। अगर वायर वाला माइक परचेज कर लेंगे तो कॉमेडी वीडियो शूट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, कर ही नहीं पाएंगे, तो उसके कारण से वायरलेस ही माइक खरीदना होगा। तो वायरलेस माइक आपको पड़ेगा कितना, 27,000-28,000 का, रोड कंपनी का, जिसमें दो चैनल होता है। तो आप लोग रोड कंपनी का इस तरह का माइक है ये आपको परचेज करना है। तो आपको कितना पड़ गया, तो दोस्तों अप्रॉक्स 1,00,000 के करीब पड़ गया। तो 1,00,000 के बजट में आपको रोड का माइक मिल गया, सोनी का कैमरा मिल गया, गिम्बल मिल गया, ये तीनों चीज़ इक्विपमेंट रहेगा आपके पास, तो आप प्रोफेशनल से प्रोफेशनल लेवल का वीडियो बना सकते हो। उसके साथ साथ ये आप वीडियोस बनाइएगा ही बनाइएगा, लेकिन आपको लगन गांव घर में अगर आप रहते हैं या शहर में ही भी रहते हैं तो आपको शूट करने का ऑर्डर मिलेगा, वेडिंग के काम भी मिल सकता है। सिनेमेटोग्राफी का हम लोग 30,000-40,000 का बजट लेते हैं, तो अब उसमें भी आप कमा सकते हो। जैसे अभी YouTube पे क्या होता है ना, शुरुआती में अर्निंग नहीं आता रहता है, उस दौर में आप लोग काम कर सकते हो सिनेमेटोग्राफी का, और उससे भी अर्निंग कर सकते हो। तो ये 1,00,000 बजट आप लगाइए, आपका कॉमेडी वीडियो सुपर बन जाएगा। तो उसमें और कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।